जब कोई काम नहीं होता क्रोध जाग जाता। चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाती है। उस जगह पर घर में अगर लग रहा है कि कई लोग कहते हैं 8 दिन से हमको अच्छा नहीं लग रहा, घर में बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मेरी आंख भी बहुत फड़क रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है, कुछ ना करिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, दुर्वा लीजिए, उस दुर्वा को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना, जहाँ शिवलिंग है, उसके ऊपर जो शिवलिंग रखा है, सामने से जहाँ पानी गिरता है, इधर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के शिवलिंग पर ऊपर से एक बूंद पानी गिर रहा है, और शंकर जी के 5 बेटियों का स्थान है, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। दुर्वा आपको लग रहा है ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे को अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, या कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है, कुछ तकलीफ आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला, कोई बीमारी आने वाली, कोई रोग आने वाला, कोई तकलीफ आने वाली है, उस समय पर दुर्वा साथ लीजिए, साथ दुर्वा को लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन का पहले लेपन कर दो, और उस पर दुर्वा की डंडी का जो मुख है वो पानी बहता है उस साइड, और शिवलिंग की साइड में दुर्वा की पत्तियों का मुख कर उसको रख कर अपने हाथ का स्पर्श करो, और अपने मन से बाबा का स्मरण कर दिल से कहकर बाबा को उस दुर्वा को लेकर आ जाओ, उसका पानी घर में, पानी में उस दुर्वा को डालकर उसका पानी सब दूर छिड़क दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर। ऊर्जा थी वो पॉजिटिव में बदलेगी, और आपको 15 मिनट के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे शंकर भगवान ने खुद अपना गंगा जल भेजा है और पूरे घर को पवित्र कर दिया है। मन में उत्साह था, एक आनंद था। दुर्वा का वो फल दुर्वा का वो आनंद सुख देते से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है, अरे भाई समर्पित करोगे पाओगे तो जानोगे। और हमने पहले भी कहा, आज फिर शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिवजी के सामने हाथ जोड़कर हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्वदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं उनसे कहकर लाओ हमें औषधि दे दीजिए, तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ, कहाँ ढूंढोगे आप, तो औषधि मांग कर लाई। शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाए, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डाले तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक भाव वर्णन किया है, ही तरह का प्रसाद
एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी या उसको हमने हाथ से तीन हिस्से नहीं करे या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण है उनका हिस्सा हो जाता। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का और पांचवा चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पास। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र, केवल मात्र दर्शन। इसीलिए शिव कथा कह रही है। थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं तो वो लोभ से परित होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना, फिर चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है, खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला, बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है, मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000-25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो, बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था, अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा इसी कुएं, कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गांव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था, एक काम करो तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते जाना, बेल मर जाएगा धीरे धीरे, उस पर मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा, जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था, इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गए। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया, और जब वो ऊपर आया निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए, बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर
बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे, अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना। बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है। पृथ्वी से कभी एक विचार करिएगा, नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ, आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव है, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना, बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में दसवें दिवस की कथा में दसवें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने दो तीन बार
कर लिए होंगे। दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये तीन कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया, तो इसके मन में आया कि बताओ मैं भी व्रत कर रही हूँ, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूँ, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला। उसको लाभ की अनुभूति होगी, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े अनुसार करा, मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको, और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया, और तुम दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो, एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे भक्त में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरु जी ये एक तुम कहां से लेकर आए हो, ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो, जो तुम शिव पूजन उठाए उनको ये कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया, उस एक लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। एक लोटा जल अगर आप शिवजी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने सात पीढ़ी का उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, एक लोटा जल से सात पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी आप कर रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया एक लोटा जल, ददीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप, सबको सारे देवताओं को श्राप लग गया, देवताओं की संतान नहीं हो रही, उनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, संतान नहीं, क्या करा जाए। पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है, जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा? हेलो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।